नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं दुरंता के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें ब्लू कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी कितने सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। एक के बाद एक इनमें बंच आता ही जाता है। तो दोस्तों, अगर इसके सोइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को लगाना है वेल ड्रेन सोइल में। जैसे आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सोइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद, और एक एक चम्मच इसमें नीम खली ज़रूर मिलानी है, क्योंकि नीम खली एंटी फंगल पाउडर का काम करती है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप समर सीजन में ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर सुबह सुबह की 1 से 1.5 घंटे की धूप आए, या फिर आप इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखें जहाँ इसके ऊपर छन कर धूप आए। इस प्लांट के ऊपर पूरे दिन की सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। वैसे तो ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो उस समय इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है। तो इसको हमें तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। और अगर मतलब इस प्लांट को ऐसी जगह भी नहीं रखना है जहां इसके ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट ना आए, मतलब कि अंधेरे में या फिर इंडोर। ये प्लांट आउटडोर होता है और बिल्कुल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसको एक बार लगाने के बाद में ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो इसमें हमें पानी हमेशा चेक करने के बाद ही देना है, जैसे कि इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और ये प्लांट कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, बस हमें इसकी आगे से सॉफ्ट कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा देते हो तो फिर और भी हमारे प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही सुंदर ब्लू कलर के फूलों वाला प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है ऊपर से नीचे तक, और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी हमारे इस प्लांट में फ्लावर आए हुए हैं। और जब हम इसको नर्सरी से लेके आए थे तो ये बिल्कुल छोटा सा ही 3 से 4 इंच का ही प्लांट था, और ना ही इस मतलब हमें पता था कि इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, क्योंकि फ्लावर तो जब हम इसको अपने घर लेके आए हैं तो उसके 4 से 5 महीने के बाद में इसमें फ्लावर आए हैं, और वो भी ब्लू कलर के। हम तो इसकी पत्तियों को देखकर ही इस प्लांट को लेके आए थे, और इसकी पत्तियां भी बहुत ही सुंदर होती हैं, चमकदार। और दोस्तों, हमारे यहाँ अभी अभी बरसात होके बंद हुई है, और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों के मतलब प्लांट की पत्तियों के ऊपर अभी भी बरसात की पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं, और अब भी मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे अभी भी फिर दोबारा से बरसात हो जाएगी। तो इस प्लांट को आप पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, मतलब अगर आपके यहाँ ज़मीन कच्ची ज़मीन है, क्यारी है, तो वहाँ भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। और ये प्लांट थोड़ा बड़े साइज़ का हो जाता है, तो इसको अगर आप पॉट में लगाएं तो 12 इंच से बड़े पॉट में ही लगाएं, क्योंकि जैसे कि अभी आपको बताया है ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, इस प्लांट के ऊपर कई बार मिलीबग का अटैक भी हो जाता है, तो मिलीबग से अपने प्लांट को बचाने के लिए आप इसके ऊपर लगभग 20 से 25 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें, क्योंकि नीम ऑयल का स्प्रे एक तो ऑर्गेनिक होता है और सभी प्रकार के कीड़े मकोड़ों से हमारे प्लांट को बचाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं, या फिर आपके किसी दोस्त के पास या फिर आपके पड़ोसियों के पास में ये वाला प्लांट लगा हुआ है तो आप वहाँ से इसकी कटिंग लाके भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और ये मौसम बिल्कुल इसकी कटिंग मतलब कटिंग लगाने का मौसम चल रहा है, क्योंकि मौसम भी अब बदल चुका है, थोड़ी सी मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ चुकी है बरसात के कारण, और बारिश से तो जैसा कि आपको पता है बारिश से तो अभी भी आ रही हैं, तो ऐसे ही मौसम में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो हमने भी इसकी कटिंग लगा रखी हैं, और जब भी कटिंग लगाएं
तो एक कटिंग बिल्कुल भी ना लगाएं, कम से कम 3 से 4 कटिंग लगाएं, क्योंकि कभी भी कटिंग का कटिंग 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। जैसे कि हम 4-5 कटिंग लगाते हैं तो उनमें से 1-2 कटिंग तो हमारी ज़रूर ही चलती है। तो दोस्तों अगर इस प्लांट को हम नर्सरी से लाते हैं तो इसका प्राइस इसकी हाइट के अनुसार और इसकी ग्रोथ के अनुसार ही होता है। जैसे कि हम छोटा प्लांट लाते हैं तो ये प्लांट 40 से 50 रुपये में आसानी से मिल जाता है, और बड़े साइज़ का प्लांट लाते हैं तो फिर इसकी ग्रोथ के अनुसार ही इसका प्राइस होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मरेंटा के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर परमानेंट ब्लू कलर के फूलों वाला प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।